हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हो कैट ग्रो। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमारी दो क्लास हो चुकी है एमएस वर्ड के ऊपर, और आज हमारी थर्ड क्लास है जो हम पढ़ने वाले हैं क्लिप बोर्ड। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा हमारा टॉपिक क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड हमारा मेन टॉपिक है और मेन टॉपिक के अंदर सब टॉपिक हैं, सब टॉपिक के अंदर भी कुछ सब टॉपिक हैं। अगर मोटा मोटी बात किया जाए तो हमारे पास खाली दो ही टॉपिक हैं, एक मेरा टॉपिक है फॉर्मेट प्रिंटर, एक मेरा टॉपिक है हिडन टॉपिक। और बाकी की अगर बात की जाए तो कोई खास टॉपिक नहीं है, सब दो दो मिनट की चीज़ होंगी और एक मिनट में ख़त्म हो जाएंगे आपके लिए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड इसको कहेंगे, होम का सबसे पहला सब टैब, होम का सबसे पहला सब टैब क्लिप बोर्ड ही है और हम क्लिप बोर्ड पढ़ने जा रहे हैं। मैंने क्लिप बोर्ड के आइटम्स को स्क्रीन पर दिखाए हुए हैं, जैसे पहला पेस्ट, यहाँ पेस्ट है तो यहाँ पेस्ट है। पेस्ट के अंदर तीन आइटम्स आएंगे, तो पेस्ट के अंदर तीन आइटम्स हैं, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट हाइपर लिंक। अगला कट, तो ऊपर कट दिया हुआ है। फिर कॉपी भी है। फॉर्मेट प्रिंटर, तो फॉर्मेट प्रिंटर भी है। और एक टॉपिक हमारी हिडन होगी जो आप लोग को नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यही टॉपिक आपके लिए सबसे यूज़फुल होगी। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिडन टॉपिक। कट कॉपी पेस्ट की बात करें तो ये सबको पता है कट कॉपी पेस्ट क्या होता है। मैंने अगर किसी चीज़ को सिलेक्ट की, मैंने टॉपिक को सिलेक्ट किया, टॉपिक को मैंने कॉपी की, तो ये होती है कॉपी। तो मतलब हमने कॉपी ख़त्म किया। आपको लगता है कि आपने माउस से कॉपी क्यों कर लिया, तो ठीक है, हमने पेंटर को सिलेक्ट किया, मैं गया कॉपी पे, तो यही है हमारा कॉपी। आप चाहे वहाँ से कॉपी करो, चाहे माउस से करो, चाहे कंट्रोल प्लस सी करो, किसी भी चीज़ की यूज़ करो आप, शॉर्टकट की तक का यूज़ कर सकते हो। आपको यूज़ करने का मन नहीं है तो ये बनाया गया है टैब के अंदर एक पॉइंट कॉपी। कॉपी हो गई। कॉपी करने के बाद मुझे ये चीज़ कहीं चाहिए, तो मैंने इसको लिख लिया, मैंने कहा यहाँ पेस्ट कर दो। तो चाहे माउस से पेस्ट कर लो, चाहे कंट्रोल प्लस वी कर लो, चाहे आप पेस्ट पे क्लिक कर लो, तो आपके पास आ गया पेस्ट। नहीं, ये पेस्ट, पेस्ट के अंदर चलेंगे अभी, लेकिन पहले एक ऊपर पर बात कर लेते हैं कट की भी। कट भी छोटा टॉपिक है। कट मतलब होता है फिजिकली मूव करना है। मैंने जब पेंटर को कॉपी किया तो पेंटर वहीं का वहीं था और दूसरी जगह मैंने पेस्ट कर दिया, तो पेंटर दो हो गए थे। फिर से देख लो, मैंने कॉपी की इसको, यहाँ तो पेंटर है ही है, मैंने अगर पेस्ट किया फिर से तो पेंटर फिर से आ जाता है, दो पेंटर हो गए। लेकिन कट में ये बात नहीं होती। कट होता है फिजिकली मूव, मतलब आपको अगर पेंटर कहीं चाहिए तो पेंटर को यहाँ से हटना होगा, तो वो होता है कट। मैंने कट किया तो वो चीज़ यहाँ से काट ली गई। अब आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ ले आओ, तो मैंने कहा कि यहाँ ले आओ, तो मैंने पेस्ट किया कंट्रोल प्लस वी, चाहे वहाँ से पेस्ट कर लो, तो वो यहाँ आ गया। अब ये पेंटर ऊपर नहीं है, पहले ऊपर था, तो यही होता है कट। कट में मेन ऑब्जेक्ट मूव करती है, पेस्ट कॉपी में मेन ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती। कॉपी में जो मेन ऑब्जेक्ट है वो तो है ही है, आप साथ ही साथ उसकी कितनी भी कॉपी निकाल सकते हो, लेकिन कट में ऐसा नहीं होता। कट में आप मेन फाइल को लेके घूमते हो, जैसे मैंने इसको फिर से कट किया तो मेन फाइल गायब हो गई और मैंने कहा कि वो मेन फाइल यहाँ पे आ जाए, तो मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया। यहाँ मेरा था स्लीव बिगड़ गया है, तो पहले मैं सही कर लूँ। तो यही था कट कॉपी पेस्ट, तो हमने ख़त्म कर दिया, सिर्फ पेस्ट ख़त्म किया गया हमने, पेस्ट कट कॉपी बच गया पेस्ट स्पेशल, पेस्ट हैज हाइपर लिंक। देखो दोनों में पेस्ट जुड़े हुए हैं, तो मतलब पहले साफ है कि पेस्ट तो होना ही है, तो कॉपी होनी ज़रूरी है। मैंने फिर से कॉपी की किसी चीज़ को, मैंने टॉपिक को कॉपी की, तो लो मैंने कर ली कॉपी। कॉपी करने के बाद ही ये सब चीज़ काम करते हैं। तो मैं गया पेस्ट के अंदर, हम पेस्ट हैज हाइपर लिंक अभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हाइपरलिंक पढ़ाने के लिए मुझे आपको पहले इंसर्ट में हाइपरलिंक समझाना होगा कि हाइपरलिंक क्या होता है। तो मैं खाली पेस्ट एज हाइपरलिंक तो नहीं पढ़ा सकता अभी आप लोग को, तो हम अभी करेंगे पेस्ट स्पेशल। तो मैंने कॉपी कर ली, अब मेरे को पेस्ट स्पेशल करना है। शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, क्योंकि कंट्रोल प्लस वी होती है पेस्ट की शॉर्टकट की, और आप अगर ऑल्ट जोड़ देते हो तो बन जाएगी पेस्ट स्पेशल। तो करते हैं स्पेशल, मैं स्पेशल में गया। स्पेशल में आपके पास इतने चीज़ आते हैं कि आप इन तरीकों से स्पेशल पेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपने जो लिखा है वो आपने टेक्स्ट में लिखा हुआ है और वो आपसे कह रहा है कि आप इस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो हाँ ये स्पेशल चीज़ है। इस टेक्स्ट को आप पेस्ट कर सकते हो फॉर्मेटेड टेक्स्ट में, तो ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। आप टेक्स्ट को टेक्स्ट में पेस्ट करने की बात कर रहे हो, तो नथिंग स्पेशल।
अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो फिर से टेक्स्ट में आप एक टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हो और टेक्स्ट को टेक्स्ट में ही पेस्ट कर रहे हो, तो कुछ भी स्पेशल नहीं है उसके अंदर। फिर आपने टेक्स्ट को कॉपी किया और टेक्स्ट को पेस्ट कर रहे हो पिक्चर्स, तो हाँ ये स्पेशल है कि आप टेक्स्ट को कॉपी करके पिक्चर बना रहे हो। नीचे फिर पिक्चर एनहेंस मेटा फाइल, तो ये फिर स्पेशल है। HTML फॉर्मेट नथिंग स्पेशल, टेक्स्ट में आप टेक्स्ट कॉपी कर रहे हो। अनफॉर्मेटेड यूनिक कोड टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट को टेक्स्ट में पेस्ट करना, नथिंग स्पेशल। तो आपको अगर स्पेशल चीज़ों की फ़र्क देखनी है तो आपको चूज़ करना होगा या तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स, पिक्चर्स और कुछ नहीं कर सकते हैं बस। तो मैंने यूज़ कर लिया ऑब्जेक्ट कि मैं जो कॉपी किया है, मैंने अभी टॉपिक को कॉपी किया है, तो वो टॉपिक जो मैंने लिखी थी वो एक टेक्स्ट थी, और मैं कह रहा हूँ कि आप पेस्ट ऐसे करो कि वो टॉपिक ऑब्जेक्ट बन जाए। तो ठीक है, मैंने ओके किया। ऊपर भी टॉपिक है, नीचे भी टॉपिक है, दिखने में कोई खास अंतर नहीं। तो फिर क्या अंतर हुआ? ये भी टेक्स्ट है, आप बोलोगे ये भी टेक्स्ट है, ना ना ऐसा नहीं है। क्लिक करके तो देखो, मैंने क्लिक किया और देखा कि ये तो एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पिक्चर्स बन चुकी है, मतलब हम इसे छोटी बड़ी कर सकते हैं। क्या आप इसको कर सकते हो छोटी बड़ी? आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये टेक्स्ट है। तो यही होता है पेस्ट स्पेशल, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को कॉपी किया, लेकिन जब वो पेस्ट होती है तो वो एक पिक्चर होती है। और भी बहुत चीज़ थी इसके अंदर है, अगर मैं डिलीट करूँ तो खाली क्या डिलीट कर दिया मैंने, उसे कुछ डिलीट नहीं किया। अगर मैं यहाँ से अगर डिलीट करूँ टॉपिक को धीरे धीरे, तो पहले सी डिलीट होगी, फिर आई डिलीट, फिर पी डिलीट, फिर ओ और फिर टी। मतलब साफ है कि टेक्स्ट में टुकड़े में सब बनते हैं। मतलब मैंने टी ओ पी आई सी लिखा तो टॉपिक बनी, पिक्चर में ऐसा नहीं होता। पिक्चर तो पिक्चर होती है, चाहे उसके अंदर टॉप टी ओ लिखा हो, चाहे ओ लिखा हो, चाहे पी, चाहे आई, चाहे सी, चाहे टी ओ पी आई सी, टॉपिक। तो अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये एक बार में डिलीट, तो ये पिक्चर थी, पिक्चर अकेला होता है, टेक्स्ट साथ में होता है, तो ये एक टेक्स्ट है जबकि वो एक पिक्चर थी। तो वही था पेस्ट स्पेशल। तो हमने आपने कितने टॉपिक खत्म कर दी? हमने पढ़ लिया पेस्ट, हमने पढ़ लिया पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज हाइपरलिंक हम चाहते हुए भी नहीं पढ़ सकते, कट पढ़ लिया, कॉपी पढ़ लिया, अब बचा फॉर्मेट प्रिंटर। अब बचा आपके लिए सबसे बड़ा टॉपिक। तो मैं अगले पेज पे आता हूँ। अगले पेज पे आने के लिए आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। तो मैं अगले पेज पे आ गया। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है उसको समझाने के लिए मैंने अपने लिए एक सब्जेक्ट तैयार किया। मैंने लिखा संडे, मैं लिख रहा हूँ मंडे, मैं लिखता हूँ ट्यूसडे, मैंने लिखा वेडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, मैंने संडे को सिलेक्ट किया, जैसे हमने पहले पढ़ लिया है। मैंने संडे को कहा कि संडे को तो मैं ऐसे लिखूंगा, एक फॉर्मेटिंग स्टाइल दी। मैंने कहा कि संडे की जो साइज है वो 36 रहेगी। मैंने कहा कि उसकी कलर रेड होगी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अंडरलाइन को मैंने स्टाइल दी, स्ट्राइक थ्रू भी दे दिया मैंने, और भी कुछ अगर मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं इसको शैडो दे रहा हूँ, शैडो। तो मैंने इसको इतने कुछ दे दिए। अब मैं आ गया फ्राइडे के ऊपर काम करते करते। तो मेरे को बाद में ऐसा एहसास हुआ कि जो संडे पे जो फॉर्मेटिंग हुई है ना वो बड़ी अच्छी हुई है, हम सब पे कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा दिखाई देगा। लेकिन संडे पे क्या क्या किया था और कितने बार किया था? अगर मैं संडे पे 9 टाइम्स से काम कर चुका हूँ, अगर मानूँ कि मैं संडे के ऊपर 9 टाइम्स काम किए हैं, पहले स्टाइल्स किए, फिर साइज, फिर बोल्ड, फिर डैलिक, फिर अंडरलाइन, फिर कलर, स्ट्राइक थ्रू, शैडो, मैंने इतने काम किए हैं संडे के ऊपर, फिर उतना सारा काम मेरे को इन सभी के ऊपर करना पड़ेगा? मतलब आपने एक बार मेहनत कर ली इसके ऊपर और फिर आप मेहनत कर रहे हो इनके ऊपर, तो फिर इसमें क्या बुद्धिमानी हुई? तो हम एक चीज़ आराम से कर सकते हैं कि हम सिर्फ 2 क्लिक्स, ऑनली माउस के 2 क्लिक पे हम संडे के सारे चीज, संडे पे हमें जो भी चीज़ की है, 9, 10, 11, चाहे आप 100 चीज़ संडे के ऊपर कर लो फॉर्मेटिंग, 100 टाइम्स फॉर्मेटिंग, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग 1 मिनट में कॉपी होके मंडे से लेके सैटरडे की ओर तक पेस्ट। तो इसको समझेंगे ऐसे, संडे मान लो हमारा एक घर, मैंने एक पेंटर को बुलाया, मैंने कहा जी घर देख लो, जो घर में कैसा पेंट हो रहा है ऐसा ही पेंट करवाना है। तो वो पेंटर है फॉर्मेट पेंटर, तो आपको घर दिखाना है। मैंने संडे को सिलेक्ट किया,
पेंटर पे क्लिक किया, मैंने कहा देख लो घर सही है। तो सिलेक्ट करने के बाद पेंटर पे क्लिक कि पेंटर वो घर देख सके, पेंटर ने वो सारा घर देख लिया। अब वो आपके घर पे पेंट करेगा, तो जब वो आपके घर पे पेंट करेगा तो घर तो आपका ही रहेगा, तो मतलब वो किसी के घर को तो ला सकता नहीं आपके घर के अंदर, वो खाली उस घर के पेंट को आपके ऊपर चढ़ा सकता है। तो वैसे ही मैं संडे को पेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन संडे के ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई है वो सभी की सभी चीज़ पेस्ट हो सकती है एक पेंटर के द्वारा। तो पेंटर आएगा, पेंटर अपना ब्रश ले आया, देखो माउस मेरा ब्रश बन चुका है, और पेंटर ने अपना ब्रश आपके घर के ऊपर चला दिया। जैसे ही मैं माउस छोड़ूंगा, और जी देखो जादू। तो मैंने संडे की सारी फॉर्मेटिंग सिर्फ 2 क्लिक्स में ख़त्म की। संडे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, और अपने ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करके छोड़ दिया। तो यही था, 2 क्लिक्स में आपने सारी की सारी फॉर्मेटिंग 1 मिनट में कॉपी पेस्ट कर दी। यही है आपका फॉर्मेट पेंटर, मतलब क्लिप बोर्ड ख़त्म। लेकिन मैंने कहा था कि एक टॉपिक तो हिडन है, हमने क्लिप बोर्ड का पेस्ट 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 स्पेशल पेस्ट हाइपरलिंक नहीं पढ़ सकते, कट कॉपी फॉर्मेट प्रिंटर, बच गया हिडन टॉपिक। तो क्या है वो हिडन टॉपिक, वो भी देख लें ये क्या है हिडन टॉपिक। तो मैं फिर से आता हूँ नेक्स्ट पेज, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया फिर से। ये सब चीज़ मैं बंद कर ले रहा हूँ, मेरे को अभी यूज़ नहीं है, मैं अपने नॉर्मल साइज पे काम करूँगा। तो इसका देखो क्या यूज़ है, इनको यूज़ करते हैं जब आप एक ही तरह के फॉर्मेट बना रहे हो, जैसे कि बैंक की जो रिसीप्ट बनती है कि आपको पैसे निकालने हैं तो वो फॉर्म भरो, या स्कूल इसमें आपको फॉर्म भरने होते हैं तो फॉर्म सेम होते हैं, या मैं कहूँ कि कॉलेज में जो एडमिट कार्ड मिलते हैं तो सभी के एडमिट कार्ड सेम तरीके से बनाए जाते हैं, बस आपके नाम मतलब माइनर चेंजेस, आपके नाम खाली चेंज होंगे, फादर नेम चेंज होंगे, मदर नेम चेंज होंगे, रोल नंबर चेंज होगा, लेकिन बाकी चीज़ तो चेंज नहीं होती। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मेट है कि इसमें माइनर सा चेंज करना है और बाकी पूरी की पूरी फॉर्मेट या बाकी पूरा का पूरा सब्जेक्ट सेम रहेगा आपका, तो आप पूरे के सब्जेक्ट को ऐसे बनाओ कि पूरा सब्जेक्ट कॉपी हो जाए, लेकिन नाम कॉपी ना हो, फादर नेम कॉपी ना हो, मतलब जो चीज़ माइनर चेंज है वो कॉपी ना हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए बनाया गया है एज ए हिडन टॉपिक। तो हम मान लेते हैं कि हम बना रहे हैं एडमिशन फॉर्म, कि आपने जो एडमिशन लिया तो आपने किस किस सब्जेक्ट के ऊपर एडमिशन लिया, क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास हैं, आप किस कॉलेज में हो वगैरह वगैरह। तो तैयार कर लेते हैं पहले कॉलेज का नाम। तो मैंने तैयार कर लिया गवर्नमेंट, मैं पूरा नहीं लिख रहा, कॉलेज ऑफ भिवानी। साइज थोड़ी छोटी करके किसी लगे कि मैं कॉलेज का ही बना रहा हूँ, और मैंने यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर विच एक्ट, ये क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, वो सब जो लिखा रहता है वो दिखाने के लिए मैंने इसका यूज़ कर लिया। ऐसे होता है कुछ, ये जो मैं बना रहा हूँ ये है रफ वर्क, ये रफ है, मैं ये रफ कर रहा हूँ, रफ काम। अब आपको रफ ये करना है कि ये आपका कॉलेज है, आप सबको पता ही है कि आपके कॉलेज में कोई भी बंदा एडमिशन ले किसी भी स्ट्रीम का हो, कॉलेज का नाम तो चेंज नहीं हो सकता, वही नाम रहेगा। कॉलेज किस एक्ट के द्वारा बनाई गई है ये चेंज नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, मतलब वो अगर एडमिशन लेता है वो किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले, तो ये 2 चीज़ तो आपको मिलनी ही मिलनी है उसके एडमिट कार्ड के ऊपर, या मैं कहूँ एडमिशन फॉर्म के ऊपर, आप जो दिखाओगे ही दिखाओगे। अब आप वो चीज़ लिखो कि जो, अब आपको ऐसी चीज़ लिखनी है जो चेंज हो सकती है, मेरे को जी ऊपर सब डिलीट करने होंगे अब, क्योंकि मेरे को नंबरिंग्स लेनी है, तो ऊपर नंबर 1 है तो 2 आ रहा है बार बार, उसके लिए साइज बड़ी कर लेता हूँ किसी में। और मैंने बुलेट का यूज़ किया है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा हिंदी कि मेरे कॉलेज में हिंदी सब्जेक्ट है, मैंने लिखा इंग्लिश, मैंने लिखा मैथ, मैंने लिखा साइंस, मैंने लिखा एसएस, मैंने लिखा अकाउंटेंसी, मैंने लिखा इकोनॉमिक्स, मैंने लिखा कॉस्ट। तो मान लेते हैं कि मेरे कॉलेज में खाली ये 8 सब्जेक्ट टोटल हैं,
और इसमें क्या होते हैं कि आपको हिंदी इंग्लिश कंपलसरी लेने होते हैं, और बाकी सभी में से आप दो चूज़ कर सकते हो। ऐसे कुछ होता है सबके कॉलेज में स्ट्रीम कि आप बाकी चूज़ करो, दो कंपलसरी होते हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ है मेरे कॉलेज में, ये तो सभी को मिलना है। मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉलेज का नाम, कॉलेज का एक्ट किस अनुसार बनाया गया, और हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट आपको तो मिलना ही मिलना है। हाँ, बाकी चीज़ आपके ऑप्शनल है, आप मैथ लो, साइंस लो, एस लो, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथ, जो आपको अच्छा लगे वो लो, बाकी चीज़ चेंज हो सकती है। लेकिन तो मैं, जब मेरे को पता है कि ये सब चीज़ तो सब में रहनी ही रहनी है, तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि सब में अपने आप लिखा हुआ है, या मैं ऐसा कॉपी क्यों ना कर लूँ कि मैं कॉपी करके पेस्ट करते रहूँ, पेस्ट करते रहूँ, पेस्ट करते रहूँ। तो एक बार ऐसा लगता है कि चलो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और जब किसी का जब बनाना होगा तो पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। कब तक कर लोगे? ये बड़ा पुराना तरीका हो गया। मैं अपना कंप्यूटर बंद कर दूं और फिर चलाऊं तो फिर बड़ा दिक्कत है। अगर मैं बीच में किसी दूसरे चीज़ को कॉपी कर लूं, एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको कॉपी किया, देख लो मैंने कॉपी किया, उसके बाद मैंने अगर मैथ को कॉपी कर लिया, तो अब अगर मैं पेस्ट करूँगा तो क्या पेस्ट होगा? मैथ पेस्ट होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा लास्ट वाले को ही याद रखता है। देखो मैथ पेस्ट हो गया, जबकि मैंने दो चीज़ कॉपी की है, और कंप्यूटर वाले एक ही चीज़ कॉपी कर रहा है और एक ही चीज़ को पेस्ट कर रहा है। तो कंप्यूटर को मतलब नहीं होता कि आपने कितनी चीज़ कॉपी की, कंप्यूटर खाली लास्ट वाले चीज़ को याद रखता है कि हाँ बंदे ने जो कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने हिंदी कॉपी की, देख लो मैं कॉपी कर रहा हूँ, हिंदी कॉपी की, इंग्लिश कॉपी की, मैथ कॉपी की, साइंस कॉपी की, इतना काफ़ी है समझाने के लिए। अगर मैं अब नीचे पेस्ट करूँ तो नीचे क्या पेस्ट होगा, क्या लगता है? तो नीचे वही पेस्ट होगा जो मैंने सबसे लास्ट में कॉपी की होगी, मतलब साइंस। कंप्यूटर बाकी चीज़ पेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को याद ही नहीं है, कंप्यूटर खाली वही याद रखता है जो हमें लास्ट में लिखी थी। तो अब हम जा रहे हैं करने कि कंप्यूटर का ब्रेन कैसे बढ़ाया जाए। कंप्यूटर खाली एक ही चीज़ को याद रख पा रहा है, लास्ट अटैम्प्ट को, कि आपने लास्ट अटैम्प्ट में क्या कॉपी किया था। मैंने साइंस कॉपी की थी, साइंस वो पेस्ट कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर को सारे के सारे अटैम्प्ट याद रहे। मैं जितने बार जिस चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ कंप्यूटर सब अटैम्प्ट को याद रखे, और जो मैं चाहूँ उसी को पेस्ट करें। तो ऐसा करने के लिए आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं हिडन टॉपिक, और ध्यान से देखिएगा। टॉपिक शुरू होता है अब आपका, ये एरो मैंने पहले भी कहा था, एरो जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे, मतलब ये है कि टॉपिक ख़त्म नहीं हुई आपकी। एरो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने खुलता है एक पेन, इसको पेन बोलते हैं, क्लिप बोर्ड पेन। आपके पास एक क्लिप बोर्ड पेन है, अगर क्लिप बोर्ड पेन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो आप सबसे पहले क्लियर करोगे। मैंने क्लियर कर लिया। ये एक तरह का बॉर्नविटा होता है जो आपके दिमाग को तेज चलाएगा। कैसे? तो देखो ऐसे, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ भिवानी उसका एक्ट हिंदी इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट, तो मैंने इन सभी को कॉपी कर लिया। जैसे ही मैं कॉपी करता हूँ वो चीज़ पेन के अंदर आ गई, मतलब कंप्यूटर को याद हो गया कि बंदे ने जो कॉपी किया अभी अभी। मैंने उसके बाद मैथ को कॉपी किया, जैसे ही मैं मैथ कॉपी करूँगा वो मैथ वहाँ पे आ गया। मैंने साइंस कॉपी की, साइंस वहाँ आ गई। मैंने एसएस कॉपी की, एसएस वहाँ आ गई। मैंने अकाउंटेंसी कॉपी किया, अकाउंटेंसी वहाँ आ गया। इकोनॉमिक्स कॉपी की, इकोनॉमिक्स वहाँ आ गई। कॉस्ट कॉपी की, कॉस्ट वहाँ आ गई। मैंने सब कुछ कॉपी किया, और कंप्यूटर को देखो सब कुछ याद है। ऐसा नहीं है कि अब की बार की जो मैं लास्ट में जो कॉस्ट कॉपी की है तो वाली कॉस्ट ही याद है, अब की बार कंप्यूटर को सब कुछ याद है। इसका फ़ायदा तो देखो, फ़ायदा एक बंदा आया, उसने कहा कि एडमिशन करवाना है, मैंने करवाओ। मैंने एडमिशन करवाने के लिए कंप्यूटर खोला, टाइपिंग स्टार्ट की, तो टाइपिंग क्यों करूँ, सब कुछ तो लिखा हुआ है। मैंने सीधा लिखा जी, इतना तो आपको मिलना ही मिलना था, मैंने इतना लिखा ही नहीं। मैंने पूछा कि क्या क्या सब्जेक्ट भरो लोगे, तो उसने फॉर्म भरा, फॉर्म में उसने लिखा हुआ है कि वो साइंस लेगा अगला सब्जेक्ट, तो देखो साइंस 3 नंबर पे आ गया। और उसने कहा कि इकोनॉमिक्स लूँगा मैं साइंस में, तो मैंने कहा ठीक इकोनॉमिक्स। इतनी चीज़ मेरे को लिखनी नहीं पड़ी, तो मैं खाली टाइप क्या करूँगा, मैं अपने टाइप करूँगा सिर्फ नाम क्या है बंदे का, फादर नेम क्या है, रोल नंबर क्या अलॉट हुआ उसको, मदर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ। मैं खाली इतनी ही चीज़ लिख रहा हूँ, मेरा कितना टाइम बचा, मेरे को इतने चीज़ लिखने नहीं पड़े, तो मैं अपने टाइम कितना सेव कर रहा हूँ। देखो तो मैंने कितना टाइम बचाया अपना। मान लेते हैं कि कोई दूसरा बंदा आ गया एडमिशन के लिए, उसने कहा कि एडमिशन फॉर्म दिया मेरे को, मैंने देखा फॉर्म कि बंदे ने फीस दे दी, एडमिशन फॉर्म दे दिया, अब इसका चढ़ाना है मेरे को रिकॉर्ड। तो मैंने खाली क्लिक किया जे कि ये तो है ही है, सबको देना ही देना है।
उस फॉर्म में लिखा हुआ है कि वो एसएस लेगा अकाउंटेंसी लेगा। लो एसएस दे दिया अकाउंटेंसी दे दिया। मेरे को खाली काम क्या करना है, मेरे को सिर्फ नेम लिखनी है, फादर नेम लिखनी है, मदर नेम लिखनी है, रोल नंबर देना है बस। तो मैंने अपना कितना टाइम बचाया, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, मैंने उस छोटे से एग्जाम्पल में मैंने अपने इतने वर्क को कॉपी करके सेव कर लिया कि मेरे को बार बार लिखना ना पड़े। और मैंने ऐसे कॉपी किया है कि कंप्यूटर को सारे कॉपी याद हैं, ये अलग कॉपी था, ये अलग कॉपी है, इसको मैंने अलग कॉपी किया था, यहाँ तक अलग कॉपी किया था, फिर ये अलग कॉपी है, ये अलग कॉपी है, और कंप्यूटर को सारे कॉपी याद है क्योंकि मैंने क्लिप बोर्ड ओपन किया हुआ है। आप अगर क्लिप बोर्ड ओपन नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे आप। अब अगर मैं चाहूँ कि पेस्ट करना तो अब खाली पेस्ट हो रहा है अकाउंटेंसी, लास्ट वाला ही खाली पेस्ट हो पा रहा है। अब आप बाकी चीज़ पेस्ट नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है क्लिप बोर्ड का कि अगर आप क्लिप बोर्ड खोल के रखते हो तो आपको जो अच्छा लगे वो पेस्ट करो। मैंने एक्सेस पेस्ट कर दिया। अब मेरा मन है कि नहीं नहीं आप तो कॉस्ट करेंगे, लो कॉस्ट कर लो। तो आप किसी भी सीरीज में किसी को भी कभी भी पेस्ट कर सकते हो अगर आपने क्लिप बोर्ड खोल के कॉपी किया। आप अगर क्लिप बोर्ड ओपन करते हो और फिर कॉपी करते हो तो ही वो यहाँ पर याद रहेगा पीसी को। ऐसा नहीं है कि शक्तिमान बन गया आपका पीसी, कितना भी कॉपी कर लो कंप्यूटर तो याद कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लिमिट है। आप पहले खाली एक याद कर पाते थे, क्लिप बोर्ड ने हेल्प किया कि अब आप ज़्यादा याद कर पाओगे। और वो ज़्यादा कितना, तो 24 कॉपी पीसी याद रख सकता है एक टाइम पर अगर आपने क्लिप बोर्ड ओपन किया हुआ है तो। नहीं तो आपका पीसी सिर्फ एक ही कॉपी याद रख पाएगा जो आपने लास्ट में कॉपी किया होगा, और भी वो खाली उसी को पेस्ट करेगा जो आपने लास्ट में कॉपी किया होगा। क्लिप बोर्ड है तो बहुत फ़ायदा है कि आपने जितने चीज़ कॉपी की है उसको सब याद है, आपको जो अच्छा लगे तब उसको पेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं कि आपने लास्ट में क्या कॉपी किया था, पहले क्या कॉपी किया था, आप कोई मतलब भी नहीं है लाइन का, आप कभी भी किसी को भी पेस्ट कर सकते हो। ये था आपका टॉपिक क्लिप बोर्ड। इसी का यूज़ किया जाता है एडमिट कार्ड वगैरह निकालने में, क्योंकि एडमिट कार्ड आप देखते हो सभी बंदे का एडमिट कार्ड बिल्कुल सेम होता है। बस फ़र्क क्या होता है कि अगर वो बीकॉम का है तो उसके सब्जेक्ट अलग हैं, अगर वो बीएससी का है तो उसके सब्जेक्ट अलग हैं। तो जब मेरे को पता है कि बीएससी में एक लड़का तो होगा नहीं, कई सारे लड़के होंगे, तो अगर बीएससी के सब्जेक्ट सभी को मिलने हैं तो मैं क्या करूँ, सारे सब्जेक्ट को कॉपी करके रख लूँ। और कॉलेज का नाम सभी में एक ही होता है, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे बीए का हो। तो ये तो मैंने कॉपी करके रख लिया। जब कोई बंदा का एडमिट कार्ड निकालना होगा तो ये तो सभी में आने आने हैं। अब किसी में हिंदी, किसी में इंग्लिश, किसी में एसएस, किसी में अकाउंटेंसी, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, तो मैं क्यों लिखूँ? मैंने सब कुछ कॉपी कर लिया, मैं खाली क्लिक करूँगा, वो अपने आप आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। मेरा खाली एक ही काम होगा कि मैं बंदे का नाम लिखूँ, फादर नेम लिखूँ, मदर नेम लिखूँ, रोल नंबर लिखूँ, बस। और मेरा इसमें कोई भी काम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्या है क्लिप बोर्ड, क्या होता है पेस्ट, क्या है पेस्ट स्पेशल, कट कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर, और क्या है हिडन टॉपिक आपका क्लिप बोर्ड का। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट पर जरूर पूछिए। हम ऐसे ही आपके लिए एक बेसिक बेसिक वीडियो बनाते ही रहेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पैराग्राफ। मुझे लगता है कि पैराग्राफ शायद कल ही शायद ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं तो मोस्टली ओनली 2 क्लास लगेंगे पैराग्राफ के ऊपर, मतलब ये जो बुलेट्स आपके हैं, नंबरिंग बुलेट्स, ये ख़त्म हो जाने चाहिए। थैंक यू।